हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम के सीरियस एस्पिरेंट हैं और बैंक में आप जॉब करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। 2019 में बैंकिंग सेक्टर के अंदर काफ़ी सारी वैकेंसीज आएंगी, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी और गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स में भी। और ये वैकेंसी बैंक पीओ लेवल पर भी होंगी और क्लरिकल लेवल पर भी होंगी। तो एक ये न्यूज़ आई है 7 जनवरी को दैनिक भास्कर ई पेपर में, इसको हम डिस्कस करेंगे। आप सामने यहाँ पर देख सकते हैं, स्टाफ की कमी होगी, भर्ती तेज करें सरकारी बैंक, क्योंकि सरकारी बैंक्स में इस बार काफ़ी सारे रिटायरमेंट्स होने वाले हैं, तो इसलिए काफ़ी सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी 2019 में बैंक पीओ की और बैंक क्लर्क की। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सरकारी बैंकों में कर्मचारी और अधिकारी बड़ी संख्या में रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में कर्मचारियों की कमी से बचने के लिए बैंकों को नियुक्ति में तेजी लानी होगी। संसदीय समिति ने सलाह दी है और कांग्रेस नेता एम वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाली समिति ने अंदेशा जताया है कि अगर जरूरी उपाय नहीं किए गए तो बैंकों में कई स्तर पर अचानक बड़ी संख्या में वर्कफोर्स की कमी हो सकती है, क्योंकि काफ़ी बड़े लेवल पर रिटायरमेंट हो रहा है। तो निश्चित रूप से काफ़ी सारी वैकेंसीज आएंगी 2019 में सरकारी बैंकों में। 2019-20 में जीएम स्तर के 95% अधिकारी, डिप्टी जीएम स्तर के 75% अधिकारी और एडिशनल जीएम स्तर के 58% अधिकारी रिटायर होंगे। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर वित्तीय मामलों की स्थायी समिति ने पिछले सप्ताह संसद पेश में अपनी रिपोर्ट में कहा है कि क्लर्क पीओ आदि पदों के लिए आवेदकों की संख्या में बड़ी कमी आई है, मतलब एप्लीकेंट्स जो है वो कम हुए क्योंकि वैकेंसीज कम हुई हैं। समिति का मानना है कि पदों में कमी इसका कारण हो सकता है, साथ ही काम करने की मुश्किल होती परिस्थितियां, काम के घंटों में इजाफा, इंसेंटिव में कमी, काम के दौरान गैर जरूरी तनाव भी युवाओं को इससे दूर कर रही है। तो ये सारी चीज़ भी बैंकिंग सेक्टर में इस बार 2019-20 में काफ़ी सारे रिफॉर्म्स होंगे और आपके जो वर्किंग आवर्स हैं, हो सकता है बैंकिंग सेक्टर कम करे और इसमें वैकेंसीज तो निश्चित रूप से काफ़ी बड़ी संख्या में आएंगी ही आएंगी। समिति ने बैंकों में उचित मैन पावर प्लानिंग और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट योजनाएं लागू करने की जरूरत पर जोर दिया। और यहां से हम पढ़ते हैं, ऐसा करने से कर्मचारियों और अधिकारियों को सिस्टम के अंदर विकसित किया जा सकेगा और उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये दैनिक भास्कर में ये न्यूज़ पब्लिश हुई है और इससे एक इंडिकेशन मिलता है कि 2019 में और 20 में बैंकिंग सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स में काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है। और एक ये न्यूज़ भी है जो कि आरबीआई ने बोला है, ख़राब एटीएम की समस्या, तो इस ये थोड़ा सा अलग से न्यूज़ है, लेकिन यहाँ से एक क्लियर इंडिकेशन आपको मिल रहा है कि 2019 और 2020 में आप काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसीज बैंकिंग सेक्टर में आप देख सकते हैं। तो ये दैनिक भास्कर की न्यूज़ है 7 जनवरी की, पेज नंबर 11 पर इसको आप चाहें तो कंफर्म कर सकते हैं और इसको आप पढ़ सकते हैं। तो यदि आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं, बैंकिंग की तैयारी आप कर रहे हैं, तो अपनी तैयारी में और तेज़ी लाएं, तेज़ी से अपनी तैयारी करें, इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करें। और इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए आप मेरे इंग्लिश एडवांटेज जो चैनल है उसके सारे वीडियोज़ देखें और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.examinee.in, यहाँ पर आप ब्लॉग भी पढ़ें, मैं ब्लॉग्स भी यहाँ पर लिखता हूँ, आर्टिकल्स भी लिखता हूँ, तो इनको भी आप पढ़ें और इस साइट पर आप ज़रूर जाएं। और यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं और यदि आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमारे ई कोर्सेज भी बैंकिंग सेक्टर के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, बैंकिंग और एसएससी के लिए हमारे ई कोर्सेज इंग्लिश सेक्शन के एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से तैयार किए गए हैं, तो इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको EXAMINEE examinee.in वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ पर जाके आप इन कोर्सेज को भी आप ले सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।